नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के माध्यम से बीमारियों एवं परेशानियों को जानने की श्रृंखला में आज का जो हमारा विषय है वो वैसे तो बेहद आम है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक वर्ग को परेशान करता है और उनके लिए काफी कष्टदायी हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं दमा की बीमारी की। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। तो देखिए, इसकी जो सबसे पहली परिभाषा होती है वो क्या होती है, एक ऐसी स्थिति या बीमारी जिसके कारण वायु मार्ग में सूजन और संकुचन होता है उसे दमा कहते हैं। वहीं इसकी जो दूसरी परिभाषा होती है वो क्या होती है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें उत्तेजना की प्रतिक्रिया में वायु मार्ग संकुचित हो जाता है उसे दमा कहते हैं। आइए तो हम दमा के नाम जानते हैं। तो देखिए, दमा को कई नामों से जाना जाता है। सबसे पहला नाम तो यह है जिसके हम बारे में बात ही कर रहे हैं, दमा, जो कि बहुत आम होता है। दूसरा जो इसका नाम होता है वायु मार्ग रोग। तीसरा जो इसका नाम होता है वो होता है सांस की बीमारी, जिसे हम अक्सर आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। इसके बाद चौथा जो इसका नाम होता है वो होता है श्वास का रोग, ये भी हम अक्सर बात करते हैं। इसके बाद इसका जो पांचवा नाम होता है वो होता है अस्थमा, जो कि काफी प्रचलित नाम है। और इसके बाद इसका छठा नाम क्या है, ब्रोंकियल अस्थमा। तो ये छह नामों से इसको हम मुख्यतः जानते हैं। आइए तो अब ये जानते हैं कि दमा क्या होता है। तो इसे जरा आप ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, जब आप सांस लेते हैं तो हवा आपकी नाक या मुंह के द्वारा गले से या एयरवेज से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचती है। आपके जो फेफड़े होते हैं उनमें कई छोटे छोटे जो है आपके वायुमार्ग होते हैं, जो क्या करते हैं, हवा में से ऑक्सीजन को छानकर आपके ब्लड में पहुंचाते हैं। लेकिन जब आपके जो वायुमार्ग की परत होती है उसमें सूजन आ जाती है और मांसपेशियों में तनाव होता है, तो क्या होता है, आपको दमा के संकेत मिलने लगते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपका जो वायुमार्ग होता है उसमें बलगम भर जाता है, जिससे कि आपको छाती में जकड़न और खांसी की स्थिति उत्पन्न होती है और यही आपका जो है दमा कहलाया जाता है। आइए तो हम ये जानते हैं कि दमा कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, हम सामान्य भाषा में बात कर रहे हैं तो देखिए, तो दो प्रकार का होता है। पहला होता है रुक रुक कर होने वाला दमा। इसमें क्या होता है, ये आपको कुछ समय के लिए होता है, फिर चला जाता है, फिर होता है, फिर चला जाता है। इसमें आप कुछ समय के लिए सामान्य भी रह सकते हैं। वहीं दूसरा जो होता है वो होता है लगातार दमा। इसमें क्या होता है, आपको अक्सर हमेशा ही लक्षण दिखाई देंगे। ये लक्षण क्या है, हल्के हो सकते हैं, माध्यम हो सकते हैं या फिर ज्यादा भी दिखाई दे सकते हैं। आइए तो हम दमा के लक्षण जानते हैं। तो इसे जरा आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला लक्षण क्या होता है कि बार बार खांसी आना और अधिकतर दौरे के साथ खांसी आना। दूसरा जो लक्षण होता है वो क्या होता है, बेचैनी होना। तीसरा जो लक्षण होता है वो क्या होता है, सांस फूलना। चौथा जो लक्षण होता है वो क्या होता है, सांस लेते समय सीटी की सी आवाज आना। इसके बाद का जो लक्षण होता है वो क्या होता है, नाड़ी की जो गति होती है उसका बढ़ जाना। उसके बाद का जो लक्षण होता है वो क्या होता है, आपकी जो छाती है उसमें भारीपन महसूस होना। और इसके बाद का जो आपका लक्षण वो क्या है कि खांसी के समय कठिनाई महसूस होना। अगर आपको ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आपको सचेत होने की आवश्यकता है। आइए तो हम दमा के कारण जानते हैं। तो देखिए, दमा के कई कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है वो होता है आनुवांशिक। तो देखिए, ये दमा के मेन कारणों में से एक होता है। अगर माता पिता को दमा की शिकायत रही है तो बच्चे को भी दमा की शिकायत होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। दूसरा जो कारण होता है वो क्या होता है, आपका मोटापा। अगर आप बहुत अधिक मोटे हैं तो आपको सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको दमा अपनी चपेट में ले सकता है। तीसरा जो इसका कारण होता है वो क्या होता है, एलर्जी। अगर आपको सामान्य सर्दी खांसी की जो शिकायत है वो काफ़ी लंबे समय तक रहती है तो भी आपको जो दमा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चौथा जो कारण होता है होता है प्रदूषण। अगर आप बहुत ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है तो आपको शिकायत हो सकती है। इसके बाद जो उसका पाँचवा कारण होता है वो क्या होता है, धूम्रपान। अगर आप बहुत अधिक धूम्रपान करते हैं तो भी आपको जो है दमा होने की शिकायत हो सकती है। इसके बाद का जो कारण है वो क्या है, श्वसन संक्रमण। अगर आपको किसी प्रकार का श्वसन संक्रमण है तो भी आपको जो है दमा होने की शिकायत बढ़ जाती है। इसके अलावा जो एक इसका और कारण आता है वो क्या आता है, धूल भरे माहौल में रहना। अगर आप ऐसी जगह पर काम करते हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर धूल बहुत अधिक उड़ती है या धूल बहुत अधिक होती है, तो भी आपको जो है दमा होने की शिकायत
ये होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो ये जो है इसके कई कारण होते हैं। आइए तो अब ये जानते हैं कि दमा में क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं अनाज। तो देखिए आपको अनाज में क्या खाना है, पुराना चावल, गेहूं और जौ। इसके बाद आप कौन सी दाल खा सकते हैं, तो आप इसमें मूंग मसूर अरहर की दाल खा सकते हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि इसमें आप कौन सा फल खा सकते हैं, तो इसमें आप पपीता, शकरकंद, आपका जामुन, आम और स्ट्रॉबेरी ये खा सकते हैं। अब जानते हैं सब्जियां, तो आप सभी हरी सब्जियां जो हैं इस परेशानी में खा सकते हैं। आइए तो अब ये जानते हैं कि दमा में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है, अनाज। तो आपको इसमें नया चावल और मैदा ये नहीं खाना चाहिए। इसके बाद आपको जो दाल इसमें नहीं खानी, क्या है, उड़द की दाल, चने की दाल नहीं खानी चाहिए। सब्जियों में आपको आलू और सरसों का साग आपको नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा आपको सुपारी नहीं खानी है, आपको जो है ठंडा भोजन नहीं करना है, आपको तेलीय भोजन नहीं करना है, और इसके साथ में आपको जो बेकरी के उत्पाद आते हैं उनका भी सेवन नहीं करना है। आइए तो हम दमा के घरेलू उपचार जानते हैं। तो देखिए इन्हें जरा आप गौर से सुनिएगा, ये बेहद आसान है लेकिन बेहद आपके उपयोगी है। सबसे पहला जो है वो आपका आता है लहसुन। आपको क्या करना है, 30 ml दूध में 5 लहसुन की कलियों को उबालना है और फिर इनका क्या है आपको सेवन करना है। इसको आप कुछ दिनों तक लेंगे तो आपको आराम मिलेगा। दूसरा जो उपाय है वो क्या है, आपको सूखी अंजीर को गर्म पानी में रात में भिगो के रखना है और सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। ऐसा आप करेंगे तो आपको दमा में आराम मिलेगा। तीसरा जो आपका उपाय है वो क्या है, मेथी। आपको क्या करना है, कुछ मेथी के दाने लेने हैं और उनको एक गिलास पानी में उबालना है। जब तक आपका पानी एक तिहाई रह जाए तब तक आप इसको उबालें और फिर इसमें क्या करें, अदरक और शहद का जो है रस मिलाकर इसको आप सुबह शाम सेवन करें, आपको दमा में आराम मिलेगा। इसके बाद आपका जो चौथा आपका उपाय वो क्या है, अदरक। आपको क्या करना है, 1 चम्मच अदरक का रस लेना है, 1 कप मेथी का काढ़ा लेना है और स्वाद अनुसार शहद लेना है और इनको मिला के सेवन करना है। ऐसा आप करेंगे तो आपको जो है आपके दमा में आराम मिलेगा। इसके बाद आपका जो पांचवा उपाय आता है वो क्या आता है, आपका शहद। आपको क्या करना है, हल्दी और शहद को मिलाकर सेवन करना है। ऐसा आप करेंगे तो आपको जो है दमा में काफी आराम मिलेगा। तो ये बेहद आसान और उपयोगी आपके कुछ उपाय हैं जो करने से आपको दमा में आराम मिलता है। आइए तो हम दमा की कुछ आयुर्वेदिक दवाएं जानते हैं। तो देखिए दमा के रोग में आयुर्वेद में काफी दवाएं आती हैं जो कि बेहद गुणकारी साबित होती हैं। इसमें सबसे पहली जो दवाई आती है, सबसे कॉमन जो दवाई है वो है श्वास कुठार रस। ये जो है आपके दमा के लिए काफी उपयोगी साबित होती है। इसको आप क्या कर सकते हैं, सुबह शाम गुनगुने पानी से या फिर शहद के साथ सेवन कर सकते हैं, आपको आराम मिलेगा। दूसरी जो इसमें दवाई आती है वो आती है ताली सादी चूर्ण। ये जो चूर्ण आता है ये बेहद उपयोगी होता है, ये आपकी खांसी है, आपके दमा है, इन सभी रोगों में काफी उपयोगी होता है। इसको आप क्या कर सकते हैं, शहद के साथ चाटेंगे तो आपको काफी आराम मिलेगा। तीसरी जो इसमें दवाई आती है चंद्रामृत रस। ये जो दवाई है ये सभी प्रकार की खांसियों में और दमा में काफी उपयोगी साबित होती है। इसे भी आप गर्म पानी या शहद के साथ सेवन कर सकते हैं। इसके बाद चौथी जो आपकी दवाई आती है वो क्या आती है, 64 प्रहरी पीपल। ये भी जो आपकी दमा के लिए एक बेहद उपयोगी दवा है, इसको भी आप जो है शहद के साथ सेवन कर सकते हैं। इसके बाद जो दवाई है पांचवी आपकी वो है मल्ल सिंदूर। ये जो है थोड़ी एक्सपेंसिव आती है, थोड़ी महंगी दवाई है, लेकिन ये जब आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा हो, आपको कोई चीज़ असर नहीं कर रही हो, तब अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये काफ़ी आपको आराम करती है। इसकी जो खुराक होती है वो आपकी लगभग 65 जो mg से 125 mg तक होती है। ये जो आपकी खुराक है वो आपकी मरीज की जो उम्र होती है वो और जो उसकी परेशानी का स्तर है उसके हिसाब से देखी जाती है। इसका अगर आप सेवन करते हैं तो ये आपको काफ़ी आराम करती है। तो ये कुछ दवाएं जिनका अगर आप सेवन करते हैं तो आपको जो है दमा की परेशानी में आराम मिलता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, दवा का उपयोग हमेशा किसी योग्य आयुर्वेद के चिकित्सक से या फिर किसी आयुर्वेद के जानकार से सलाह करने के बाद ही करें, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री हो, आपको कोई परेशानी चल रही हो या कोई परेशानी ऐसी हो जिसमें कोई ऐसा आपका सामान या सामग्री जो आपकी परेशानी बढ़ा दे तो दिक्कत आपको उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए एक बार जानकारी अवश्य कर लें। तो आज का जो हमारा विषयता वो था दमा, आज हमने आपको दमा के ऊपर जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं।
इसके साथ ही अगर आप कोई विषय हो जिसमें आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो दवा हो या कोई बीमारी हो, तो वो भी हमें अवश्य बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी साझा करेंगे। हमारा उद्देश्य ही बेसारे शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। हम आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि आपका साथ ही हमें आगे बढ़ने के लिए और आपको जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए प्रेरित करता है। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।